एक्शन लो, प्ले करो एक्शन मुझको। पाजी नेक्स्ट, पाजी कहाँ से, पाजी पाजी वेयर यू पाजी, ओ या पाजी 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 गाना गाना या मुझको भी गा के सुनाना, राहुल गा के सुनाना, इधर फटाफट चलो आ चलो। सो मेरा तो प्लान डिसाइड हो गया गाइस, आई एम गोइंग टू पुणे फॉर द न्यू ईयर, और मेरे रूममेट्स काफ़ी नाराज़ हो गए मुझसे, ये बोल रहे हैं यार प्लान हमारे साथ बनाया और छोड़ के जा रहा है। मैंने कोई बात नहीं, हम दगाबाज हैं, झेलो हमें। अब इसी बात पे गाने, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे तुसे नैना बड़े दगाबाज रे। पाजी गाना दगाबाज। पाजू को भी टाइम लगेगा थोड़ा सा ट्यून करने, गिटार दगा बाज रे हाय। मेरा खाना भी बन रहा है गाइस, लंच बन रहा है और कुछ प्याज जल गया। ओह गाइस सब कुछ जल चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट। ओह गाइस ये जल गया यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो से नैना बड़े दगा बाज रे। सो आज या कल मैं पुणे चले आऊंगा फॉर द न्यू ईयर, एंड क्योंकि मुंबई में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और आई एम बोर्ड, सो लेट्स मूव टू पुणे। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे दगाबाज क्यों तो से नैना बड़े दगाबाज रे। दोस्तों इसका प्लान हो गया पुणे का, क्या इसका मतलब हमारे पास 31 दिसंबर नहीं है, हमारे पास बम्बई नहीं है, हमारे पास लड़के लड़कियां नहीं है, हमें प्यार नहीं हो सकता, हम प्यार वाले गाने गाएंगे दगाबाज रे, तुम गाना वहां पे जाके ठीक है। आप लोग मेरे साथ गाओ, रुको ओके। मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ, पागल मैं पहले याब हो गया हूँ, देखी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल, कोई मिल गया कोई मिल गया, मेरा दिल गया मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो क्या बताऊँ यारो, मैं तो हिल गया कोई मिल गया, मिल ही गया मिल ही गया मिल गया। मुझको क्या हुआ है मुझको क्या हुआ है, पागल था मैं पहले। बस बस अभी अंदर बात सुनो, अगले पैरा सुन लो गा। या या प्रैक्टिस में यार, यस जल्दी करो यार, लोग वेट कर रहे हैं हमारा। जाने क्या हो गया है मुझे, दीवाना लोग कहने लगे, ये दीवानगी है क्या हमको भी तो हो पता, तुमको क्या हो गया, अरे कल तक मुझको सब होश था, मेरा खाना ना जल जाए। देख कर आना खाना जलना जाए, तब तक कंटिन्यू गाइस। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा यार, मुझे लग रहा है लाइव आना पड़ेगा।
लाइव नहीं, आप गाना गाओ बस। कौन सा गाना गाए? कौन सा कौन सा बताओ गाइज। डिलीशियस फूड ईट विद मी, लुभिया की दाल बनाइए। रंग सी है भरी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो। बेरंग सी है भरी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो। बेरंग लग रही, थोड़ी फुर्सत तो मिले, थोड़ी फुर्सत थोड़ा एंगल चेंज कर लो। ट्रेन का टिकट तो मिल नहीं रहा है और बट मैं जाऊंगा बस से। खाना खाते हैं उसके बाद पैकिंग करते निकलते हैं। I'm so excited. दोस्तों किन्हीं कारणों बस मैं पुणे नहीं जा सका आज। होपफुली मैं कल जाऊंगा। और ये लोग कह रहे थे कि यार यू प्लान विद अस टू कुक नॉन वेज, तो मैं इनके लिए आज चिकन बना रहा हूँ। पता नहीं कल से ये लोग कैसे खाएंगे खाना, बेचारे भूखे ना मर जाएं। तो मैं इनको इस 2023 का जो आखिरी दिन है उस दिन मैं इनको खाना खिलाने, चिकन खिलाने जा रहा हूँ। और पता नहीं कल से क्या खाएंगे बेचारे, इनको कुपोषित ना हो जाए दोनों के दोनों। तो कोई बात नहीं, आखिरी वक्त में खिला देता हूँ। अब तो फिर इनको अगले साल ही खिलाऊंगा मैं सीधे। तो कल मैं जाऊंगा और कल मिलते हैं आपसे सीधे। वैसे आपको थोड़ी सी चिकन बनाने की झांकियां दिखाएंगे आप। स्टे ट्यून एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड बाय। लुक एट द चिकन, चिकन बहुत डिलीशियस लग रहा है, खाने भी अच्छा ही लगेगा। आई होप सो। बहुत अच्छा चिकन बना है। जो अच्छा ड्राई चिकन बना, एक्चुअली ड्राई चिकन के अंदर जो मेरी नाक खराब है लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि जला नहीं चला। अगर ड्राई चिकन बना भी है तो उसे पता लगा कि कौन कौन से मसाले पड़े हैं, एक एक चीज निखर के आती है मुंह में। फिर आप जब खा रहे हो ना आनंद आ रहा है। काफी डिटेलिंग कर देते हो बाजी आप यार। आपने पीएचडी करी बाजी? व्लॉग बड़ा है, बड़ा करना है तो ऐसे ही होगा ना, डिटेलिंग करनी पड़ती है। अच्छा पीस पीस दिखाओ एक बार ऑडियंस को। चिकन बहुत अच्छा है, आई एम सॉरी आप लोगों को नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, फ्लैट नंबर 15 आपका स्वागत करता है, आइए खुद बनाइए बाजी। गाड़ हो जाए और हमें भी खिलाइए। गाड़ हो जाए, गाना हो जाए, खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसी का दुख आयो ना, खायो पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसी का दुख आयो ना, मैंने खान दे यार मैंने यार। ओके तो कैसा लग रहा है शिवम? हाँ और ड्राई कर देते तो नखरे ना इसके। हाँ चावल के साथ बताओ कैसे खाऊंगे इसे। नखरे बात है तुम्हारे, टेस्टी लग रहा है यार। टेस्टी तो लग, जाओ यार तुम खाओ। तो भाई साहब इतना बढ़िया चिकन बनाया मैंने, पाजी सीधा कढ़ाई में चढ़ गए यार। एक्चुअली बताऊं क्या हुआ? एक्चुअली पाजी कहानियां बहुत है आपके पास ना। एक्चुअली हुआ क्या था शिवम, तुम बताओ यार पहले कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा, बहुत मस्त ड्राई बनाया। पेट भरा? सब भर गया। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सच्चाई से रूबरू करा मैं। अलग बात है, दो घंटे बाद फिर भूख लगेगी। आप थोड़े से चावल और ये देखे समझ सकते हो कि पूरा नहीं पड़ा चिकन, नो डाउट बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, लेकिन चावल नीचे से रह गए, जल गए, ग्रेवी सूख गई। गौरव को पहले खाने नहीं थे चावल, पता नहीं क्या लाला चाय किया, अभी इसका चावल मिलेगा नहीं, चावल की थान बंद। इस वजह से उन लोगों ने आधा कटोरी उन्होंने उठा ली, सॉरी आधा वो पूरा ही पैन में जितना आधा पड़ा था आधा उन्होंने ले लिया। अब की करिए, ये करना होता है, खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं पहली बार हाथ से खा रहा हूँ, हाथ से खाना नहीं आता। पाजी बस करो यार, इट वॉज लवली डिनर, डिलीशियस यमी स्पाइसी, मज़ा आ गया। और कल मिलते हैं फिर, अब शायद इसके बाद एक गाना गाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। स्पॉटिफाई पे सुन लो गाना तब तक। फाइनली आई एम गोइंग टू पुणे और सामान सब कुछ तैयार हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। शिवम बाय, टेक केयर, मिलते हो, खाना खा लेना और भूखा मत मरना ठीक है। चलो बाय गाइस। पाजी तो निकल गए सुबह सुबह कहीं, टेक केयर और घर का ख्याल रखना, और कोई ऐसे कुछ आए तो दरवाज़ा कुंडी देख के कुंडी लगा के रखना ठीक है। ख्याल रखना घर का, कुछ चोरी ना हो। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस ठीक है, और कॉल करूँगा तो उठा लेना। हाँ ठीक है।
कानर से हमने कैब ले ली है, शेयरिंग कैब, मात्र 400 रुपीज़ सीधे पुणे। भाई भी न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं। नाम क्या आपका? विजय। विजय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सफ़र में मूवी देखते देखते नींद गवाई पता ही नहीं चला, और जब आँख खुली तो सामने इतना खूबसूरत पहाड़, और उसे देखते ही अपने उत्तराखंड की याद आ गई। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमने इसको देखकर ही लुफ्त उठाया। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में काफ़ी सारे टनल्स आते हैं, खूबसूरत सी, बहुत बढ़िया बनाई हुई है। और रास्ते में काफ़ी सारा ट्रैफिक था, थैंक गॉड हम बच गया। मैं सिर्फ मुंबई से पुणे ही जा रहा था, और पुणे से मुंबई आते वक्त तो भाई साहब इतना लंबा ट्रैफिक था, लोग पता नहीं कैसे और कब पहुँचेंगे घर। आई होप उनका 31st अच्छा जाए। इस ट्रैफिक को रिकॉर्ड करते करते मेरी बैटरी लो हो गई थी, और ये ट्रैफिक कम से कम 10 किलोमीटर का तो होगा ही होगा, आई गारंटी। धूप बहुत तेज थी, सोचा थोड़ा चश्मा लगा के थोड़ा हीरोबंदी कर ले, और सूरज को थोड़ा सा कैप्चर करके आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये वही ट्रेन है जिसमें मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे बहुत बढ़िया कैब मिल गई, सफ़र बहुत अच्छा रहा, और खूबसूरत से नज़ारे कैप्चर करने को मिल गए। वाओ, और ये देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही थी उधर। मैंने आज तक लाइफ में कभी पैराग्लाइडिंग करी नहीं है, बट मुझे करने का बहुत ज़्यादा मन है। अब मैं प्लान करूँगा जब भी आऊँ तो यहाँ आऊँ इस स्पॉट पर और पैराग्लाइडिंग करूँ। लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे दूर से। ये टॉफियाँ देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कैब वाले भैया ने CNG भराने की गाड़ी रोकी, और बाजू में दुकान थी, फटाफट ये टॉफियाँ ली, 3-4 पैकेट और बैग में डाली, और रास्ते पर लुफ्त उठाया, और फाइनली पुणे स्टेशन पहुंच गए। वहां से ऑटो लिया और चल दिए घर की तरफ। इस शहर की सबसे अच्छी बात ये है कि तो शांत है बहुत, और मौसम बहुत अच्छा है इधर का, और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं काफ़ी, और अच्छा लगता है इधर। कल से घूमते हैं इधर और आप लोगों को दिखाते हैं। इस ऑटो वाले की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही थी जो एक हर ऑटो वाले की कहानी होती है, ले देंगे पॉलिटिक्स की बातें, देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है। ओ माय गॉड, काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र था ये इस ऑटो वाले के साथ मुझे पुणे स्टेशन से घर तक आने में। सो फाइनली रीचिंग एट होम, दीदी के घर पे। कौन है? कौन है? पैर पैर ब्लॉगिंग चल रही है। कौन है देख? मामा। यस मामा।